हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनुमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? ये मेरा पुत्र पहला आ जाता है। लो ओए ओए ओए, ये क्या हो रहा है? चलो हाय करो। हाय हाय बाय बाय। देखिए अभी हनु के पापा आए हैं क्रिकेट खेल के, यार तो वो बेचारे थकान हो रही है। चाय बना रही हूँ मैं उनके लिए। डेली का काम हो रहा है इनको तो खेलने जाने का। आखिर में आके मैंने ही कहना छोड़ दिया है। अब जाना है भाई, जाओ क्या करे जब कोई नहीं रुक रहा है। ये बोलते हैं घर पे रह के बोर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम नहीं होते हैं। भाई देखिए चाय में आ गए, अच्छे से बॉइल ले रही और चाय बन गई है। और मैं थोड़ी ही बनाई है, मैं तो बहुत कम लेती हूँ, बस आधा कप लूंगी नाम कोई, ज्यादा नहीं पीती चाय। और ये देखिए आते ही साथ ये लग गए हैं खेल में। कभी हनु इधर इनके पास लग जाता है। देखो अब क्या चल रहा है, मैच शुरू हो गया क्या? हल्लो भाई, मैच शुरू हो गया। अभी तो एक मैच खेल के आए और एक घर पे आके शुरू हो गया। ये देखिए ये आते साथ, ये देखिए ये हनु साइड हो आप। ये हनु दे रहा है अपने पापा को बोल। ओहो पापा का बैठ गया है। पापा का ये तो गदा है, ये तो हनुमान जी की गदा है। ओ भाई बोल लो की लाइन लग रही, बस खिलाड़ी तो दो ही है, बोल इतनी है। ये देखो भाई मैच चल रहा है, ये मेरे पति देव का मेरे बच्चे का। ग्राउंड भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ग्राउंड है। हनु ग्राउंड छोटा है, पापा के साथ जाएगा बेटा। एक खिलाड़ी तो बढ़ जाएगा तेरे पापा की टीम में। तो चलिए अभी मैं देख लेती हूँ चाय अपनी। देखिए चाय तो उबल उबल के हो गई है। चलो चाय को कर देते हैं बंद और अब मैं चाय छान लेती हूँ। और आज दिन में से मैंने कोई सूट नहीं किया था ब्लॉग का, बस ऐसे ही दिन में भी मैंने सिंपल आलू की सब्जी बनाई थी, वो भी काफी लेट बनाई थी क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। और लेट की भी क्या बताऊँ, लेट भी काफी लेट उठी थी, 9 बजे उठी थी। बस फिर सारा शेड्यूल खराब, सब काम लेट हो गया। चलिए 9 बजे उठी है, ये 9 बजे मैंने बता दी 9 बजे उठी। तो आप कौन सी 7 बजे उठ गए थे? ये भी तो 9 बजे, ये तो 9 से भी बाद में उठे हैं। हमारा तो लॉकडाउन चल रहा है, इसका कौन सा लॉकडाउन चल रहा है? 9 बजे उठती है। अच्छा मतलब कि घर वाली का लॉकडाउन है, आपका लॉकडाउन नहीं है। झाड़ू पोछा करना सुबह जल्दी, वो तो आप भी कर सको, वो तो आप भी कर सको। ये भी आया देखो भाई, ये भी आया शिकायत करने में। लॉकडाउन हमारे लिए है, और वैसे खेलने जाना हो तभी के लिए लॉकडाउन। डांस करो करो करो, मम्मा जी नहीं मानते, नौ गंदी बात। बस गदा लेके घूमते रहे भाई पूरा दिन। चलिए फिर मैं भी चाय छान लेती हूँ। नहीं हम नहीं लेते, आप ही आए, आप तो गंदे बीबी हो। हनु की बस बाय बाय होती रहती है दीदी। चलो मैं चाय लेके आ रही हूँ। ये देखे जी, ये मैंने अभी शाम के टाइम बनाया था उपमा। और ये हनुक ने ना अपने पापा को चाय तो बेचारे को इनको खड़े खड़े हुए पीन दी। अब इन्होंने मैं देती हूँ ये उपमा, लो जी खा लो। सूजी का उपमा हनु को तो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं इसने खाया नहीं है। हनु तो नहीं खा रहा, चम्मच चाह रही है उसको, तो इसको तो चम्मच चल है। बस ये देखिए, ये अब अपने पापा को भी नहीं खाने देगा, चाय भी नहीं पीने दी इसने, खड़ी खड़ी चाय पी इन्होंने। अरे देखिए ये लेके बैठ गया, सारे खाने पीने में ये ऐसे ही करता है। हनु आप पापा को खा लें तो बेटा, हैं? चलो खिलाओ पापा को, खिलाओ, चलो खिलाओ पापा को चम्मच में लेके। खिलाता है ऐसे तो ये, उस पर बेचारे पे आ नहीं रहा देखो। चलो लो दोबारा लो, अब मूल कर लो जल्दी। गिर गया वो, चलो 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 भाई मूल आओ नीचे ही। ओ वेरी गुड, आप भी ले लो अनु। ए अनु आप भी खा लो। नहीं मम्मी नहीं खाती भाई, को खिला दियो। ये खाना है इसका, खाना पीना कुछ नहीं है, नीचे गिराना है बस।
सूजी की खीर बनाऊं इसके लिए, वो नहीं खाता है। मैंने सोचा चलो आज ये नमक का बना देती हूँ, और इसने ये भी नहीं खाया। हाँ पापा ले लो ये सारा। तो बेटा तूने ट्रे में डाल दी, इसी वजह से लाई थी मैं ट्रे, मुझे पता था। हाँ जी चलिए जी खा लेते हैं खाना अब। हाँ इसकी तो हाई हो जाती है बच्चे की। और आलू की सब्जी पर बताए थे दोपहर की है, खीरा और अचार, हरी मिर्च और मूली का अचार। आओ चाहिए आपको, लो मम्मा देगी। और ये ना चम्मच नहीं लाने देते बिल्कुल भी, चम्मच लगता है तो बस फिर तो सारे को खिला देता है खाना, बिना चम्मच के खाना पड़ता है। हाय क्या खा रहा है हनू, क्या खा रहा है? अव्वा, आलू को अव्वा बोलता है अव्वा। और इधर क्या चल रहा है, ये सुपर डांसर कौन कर रहा है डांस? तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं अभी। यहाँ पे देखिए ये हनु खाना खाने के बाद फिर ये लेके बैठ गया था, ये चिमटे उसका ये डब्बा दिख गया था रखा हुआ, फिर इस पे तो उठा के लेके आया अपने पापा से बोल के। और ये देखिए अब पहले इसने गिरा रखी थी सारी, तो ये मांग रहा था मेरे से फ़ोन, फिर मैंने बोला कि पहले ये सारी इसको डब्बे में रख उठा के, और फिर मैं फ़ोन देंगी तेरे को। फिर मैं बोली थी कि बॉल भी उठा दे, और एक उधर पड़ी हुई थी इसको दिखाई नहीं दे रही थी, मैं बार बार बता रही थी बेटा यहाँ है, फिर इसके पैर पर लगी तो तब इसको दिखी है, तो इसने ये सारी उठा के इसमें भर दी थी। पहले गिरता है फिर उनको उठा के रखता है, बस ऐसे ही काम चलता रहता है इसका। और इसके पापा इधर फ़ोन में लगे हैं, अभी इसका फ़ोन पे ध्यान नहीं था, मेरे वाला फ़ोन मांग रहा था, अपने पापा का नहीं मांग रहा था, और फिर ये इसमें लग गया था। देखिए अब फिर दोबारा से उठा के इनको फेंकने लगेगा। तो देखिए जी सारे काम उसे हो गए हैं हम फ्री, और अभी अभी मैं ब्रश करके आई हूँ, रात में ब्रश करके लेटना चाहिए बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं, और वैसे भी करना भी चाहिए। रात में ब्रश कर लेते हैं, सुबह तो करने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। और रात में जो हमारे मुंह में गंदगी वगैरह होती है, कुछ भी कन वगैरह फंसे रहते हैं दांतों में भी, वो भी निकल जाते हैं, दांतों के लिए भी सेफ है। और एकदम से अच्छी सी फीलिंग भी आती है ब्रश करने के बाद रात को। और देखिए अभी उधर मैं कर रही थी अपना ब्लॉग का शूट, लेकिन हनु ने मेरे को करने नहीं दिया, वो फ़ोन लेके बैठ गया और अभी भी नहीं करने दे रहा था। और अभी भी देखिए चीखे मार रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। फिर अभी मैं इधर दूसरे रूम में आके बैठी थी कि चलो मैं ना थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ, और उसको पता नहीं क्या हैबिट हो गई है, अपने पापा का फ़ोन भी नहीं लेता है, बस मेरा फ़ोन पकड़ने पर रहता है, वो मेरा फ़ोन चाहिए होता है उसको। और अभी टाइम हुआ है 10 बजे हैं, वैसे तो ये इंडियन आइडल चला रखा है उन्होंने, वो देख रहे हैं, और पता नहीं अब क्यों चिक्के मार रहा है, बस उसको घूमने की भी रहती है, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही रहता है इसके साथ में बच्चे की। और आज तो कुछ खास ऐसा मैंने सुन नहीं किया, ना ही कुछ इतना वो बनाया था स्पेशल, बस डेली रूटीन है कि ना लॉकडाउन में यही सब चल रहा है, घर बैठे और क्या करें, बस जैसे अपना काम चल रहा है चलाते रहो, घर बैठे बाहर ना निकलना पड़े, यही वो रहती है। और क्या कहूँ, बस मैं कोरोना ने तो सबको ही बुरी हालत कर दी है सही में, बस बहुत ही बेकार हाल हो रखे हैं। और टीवी पर न्यूज़ देख देख के तो और भी ज़्यादा डर लगता है। और देखिए अभी वो हनु बोल रहा है कि पापा मम्मा मम्मा आ जा, उसको मम्मा दिख रही है कि मम्मा पता नहीं कहाँ गई। अब ऐसे ही करते हैं, 2 मिनट के लिए दूर हो जाओ तो बस। अब वो उसकी भी गलती नहीं है, जब 24 घंटे मम्मा उसके सामने ही रहती है तो फिर उसको आदत भी नहीं है मम्मा के बिना, और ऐसे वो किसी के साथ में रहता भी नहीं है ज्यादा। और अभी फिर सोने का तो कोई वो नहीं है अभी, क्योंकि हनु अब पता नहीं क्या रूटीन हो रहा है उसका, 12 साढ़े 12 बस इतने ही बजते हैं, सच में मेरे को तो बहुत नींद आती है, मैं सो लेट भी जाती हूँ चादर डाल के, लेकिन हनु के पापा बोलते ये दोनों बार बार उठाने पे लगे रहते हैं कि उठ जा इतना हनु नहीं सोता, इतना कहाँ सोया जाता है, नींद से खराब हो रहती है। और अभी बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि वो चिक्के मारे जा रहे हैं और बोल रहे हैं मम्मा आ जा मम्मा आ जा, चल लूँगी फिर मैं उधर ही रूम में ही, उधर तो वो ले जाऊँगी तो फ़ोन, उधर वो करने नहीं देता फिर, तो देखिए पूरी चिक्के मार रखी है उसने। तो चलिए अभी फिर हम मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, और इसी के साथ हमें दीजिए विदा, और
तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा और घर में रहे, सुरक्षित रहे और ऐसे ही हमारे डेली ब्लॉग्स देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नई हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस बात मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट।